कल्याण का मूल उद्गम, मूल श्रेत स्रोत भक्ति है। ऐसे भक्ति को, ऐसी भक्ति को त्याग करके जो लोग बोध लब्धे, केवल बोध लब्धे साधना नि कुर्वंती ते तो क्लिश्यन्ते, साधन का श्रम ही उनके हाथ लगता है, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। कैसे? बड़ा विलक्षण उदाहरण है महाराज। जैसे कोई व्यक्ति धान की भूसी को कूटने लग जाए चावल की इच्छा से, तो कूटते कूटते हाथ में छाले आ जाएंगे, ओखली और मूसल भी भग्न हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन भूसी से कभी चावल त्रिकाल में भी निकलने वाला। अरे भैया, भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म तो भूसी के जैसा है। अरे भैया, तुमने भक्ति रूपी सार निकाल दिया तो भक्ति शून्य ज्ञान और भक्ति शून्य कर्म तो भूसा है। कूटते रहो, चावल कभी नहीं मिलेगा। बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तो ज्ञान मार्ग में आग्रह रखने वाले भक्ति के कर्म, भक्ति रूप जो कर्म है उसको भी वे बहुत अधिक उत्कृष्ट नहीं मानते, लेकिन ये मान्यता उनकी ठीक नहीं है। यदि भागवत को प्रमाण मानते हैं और अपने से अधिक ज्ञानवान ब्रह्मा जी को मानते हैं तो ब्रह्मा जी की बात माननी चाहिए, शंकर जी की बात माननी चाहिए, सनकादिकों की, सुखदेव जी की, नारद जी की बात माननी चाहिए। भक्ति सामान्य विनाशी कर्म के जैसा कर्म इसलिए नहीं है क्योंकि उस भक्ति का प्रयोजन, भक्ति रूप जो उपासनात्मक कर्म है उसका प्रयोजन लौकिक पारलौकिक विनाशी भोगों की प्राप्ति नहीं है। उस कर्म का प्रयोजन अविनाशी भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का प्रेम है, और कर्म करने के बाद भगवत चरणारविंद में उसका समर्पण है। आप सोचिए, हम संध्या करते हैं, क्या संध्या कर्म है? हां कर्म है। तर्पण करते हैं, तर्पण कर्म है? बोले हां कर्म है। रोज हवन करते हैं, आहुति देना कर्म है? बोले हां कर्म है। ये सब कर्म है। लेकिन जब हम यही कर्म लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए नहीं करते, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और करने के बाद श्री सीता रामार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायण अर्पणमस्तु कर देते हैं, तो ये हमारे कर्म ही वो अविनाशित्व को प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी से संबद्ध होकर ये भी अविनाशित्व को प्राप्त हो जाते हैं।